घर के बाहर घूम रहा था, शक हुआ, पकड़ लिया भाई। भाई पॉलिटिक्स है, पहले वो देखो, इसे छोड़ दो। शायद छोड़ दो इसे, छोड़ दो। नमस्ते, बैठिए। कमॉन। ये वो रविंद्र अपने एरिया में आया है। पार्टी को हाईकमांड का ऑर्डर आया है, भाई को किसी भी तरह इस बार जीतना होगा। यहाँ एक ही सीट बची है, अगर तुम खड़े हुए तो बस। वो रविंद्र ही हमारे अपोजिट पे है। उस गौरी शंकर के रहते इलेक्शन में जीतना मुश्किल है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, इससे पहले वो कुछ करे मार डालो से। इस बार आपको कुर्सी जरूर मिलेगी, मुझे विश्वास है। अब तक रविंद्र हमारे धंधे में आड़े आता था, अगर हमें सर उठाकर जीना है तो तुम्हें वो कुर्सी मिलनी चाहिए या हमें हासिल करना होगा। अगर उसने जबरदस्ती की तो? खून खराबे वालों को इस बार सीट नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको रोकता आ रहा हूँ, जल्दबाजी मत करना। रविंद्र शांत बैठेगा क्या? बैठेगा नहीं, लेट जाएगा। शायद घर में कोई घुसा है, चलो देखते हैं। साहब जी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, अभी आती ही होगी। उसे उठाओ जरा। ये लीजिए। सुनो रामू, तुम मेरे भरोसे के आदमी हो, उसे सीधे जेल भेजने के लिए अब तुम ऊपर जा रहे हो। तुझे तो मैं देख लूंगा। भाई, मेरे ऊपर अटैक करने वाले उस गौरी शंकर को मैंने जेल भेजवा दिया, अगर उसके बेटे को भी ऊपर भेज दूं तो मेरे और मेरे पॉलिटिकल फ्यूचर के बीच कोई नहीं आएगा। मार दो साले को। जल्दी कूदो, हो गया, आगे चलो। देखो इधर ही देखो।
देख, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तेरा भाई तो अब जेल चला गया है। मेरी बात मान, तू और तेरे साथी जो पार्टी के लिए काम करते हैं सब मेरे साथ मिल जाओ। अपने बच्चों जैसा रखूंगा। हम्म, क्या कहता है? मेरे भाई को जेल भेजकर कहानी सुना रहा है। मेरे गले में जब तक जान में जान है तुझे जीने नहीं दूंगा। शायद मार डालो इसे। ठीक है, तेरी बात ही रख लेता हूं। जैसा तूने कहा वैसा ही करता हूं। इसी गले में ना, इसी गले में है ना जान। ले जाकर पटरियों पर फेंक दो इसे। ठीक है ना? हमारा कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हवलदार, कपड़ा हटाओ। ये एक्सीडेंट नहीं है भाई, इसे उस रविंद्र ने ही मार डाला है। मार डालो उसे, मार डालो उसे। वो शांत नहीं बैठेगा। वो तो जेल में है ना? जेल में है तो भी वो बहुत खतरनाक आदमी है। क्या पता वो जेल में रहकर मेरी मौत की प्लानिंग कर रहा हो। इसीलिए उस पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। तुम सब लोग होशियार रहना। ठीक है भाई। हाँ भाई। हुँ? बहन मिलने आई, उसे अंदर भेजो। ठीक है। आओ प्रीति, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों भैया? प्रीति, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम हैदराबाद जाकर पढ़ाई करो। हैदराबाद में भैया? हाँ प्रीति, मेरे पॉलिटिक्स में आ जाने के बाद मेरे विरोधी में काफी लोग खड़े हो गए हैं। मुझे वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ कर बैठे तो। इसीलिए तुम्हारा हैदराबाद में रहकर ही पढ़ना ठीक रहेगा। ठीक है ना? आपकी मर्जी भैया। हेलो। हाँ एक मिनट, जाकर अपने कपड़े पैक कर लो, कल ही तुम्हें निकलना है। ठीक है। क्या कहा, मान नहीं रहा तो मार डालो से। करना क्या है तुझको यारा, क्या तेरा है इरादा रे, बीच सड़क पे ऐसे वैसे करते हो इशारे, मुझको मैंने होश गवाया रे, मुझको पागल करके दिल का तार छेड़ा रे। इतनी क्यों तड़पाई मुझे, आग लगी है मेरे बदन में।
बताऊं तुम्हें, हाय कैसे कैसे जुल्म ढाए, बेदर्दी दिल ने बेचैन करके जीते जी मार डाला। आई है रात नई, ओ यारा करनी है बात वही, जले है ये शमा दूर कैसे रहे मेरा ये परवाना। हे अयो रामा यो जवानी, इतनी क्यों तड़पाई मुझे, आग लगी है मेरे बदन में आके बुझा दे से। तुमने ये क्या, तुमने ये क्या, तुमने क्या कर दिया मुझको, मैंने होश गवाया रे, मुझको पागल करके दिल का तार छेड़ा रे। जिसको समझाने को वो लड़का निकला एक आवारा रे, चुपके मेरे कोरे तन को उसने मारा रे। पास मेरे आता है वो, मुझ पे जोर लगाता है, देख मेरे गाल पे चुम्मा पापा। क्या हुआ बेटा, बुरा सपना था? नहीं पापा, सपना अच्छा ही था। हम सब जैसे मंदिर जा रहे हैं। अच्छा, पूरी फैमिली या तुम अकेले ही? सारे लोग पापा, जैसे मिलकर साथ गए थे। आहा, कॉलेज जाने के पहले दिन ही कितना अच्छा सपना आया। तुम चुप करो, उसे मंदिर में जाने का या काशी में नहाने का सपना क्यों आएगा? उसे तो लड़कियों के साथ हाथ पैर हिलाकर डांस करने वाला सपना आया होगा। भैया तो बहुत गुड बॉय है पापा। तुम ऐसा किसने कहा? इन्होंने ही कहा। पर्सनल राय थी ना, मत मानो। तुम लोग मानो या ना मानो, मेरा बेटा गुड बॉय है, इसीलिए अपने बाप का नाम रखा था ना। ओके गुड बॉय, जल्दी तैयार हो जाओ, कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। तुम चलो यहाँ से। जल्दी तैयार हो जाओ बेटा। ये कैसे जूते हैं? नए जूते लिए हैं पापा। अरे ये जीन्स में छेद कैसे हैं? लेटेस्ट फैशन है पापा, भैया ने इसे खुद काटा है। नई जीन्स में चूहे के बिल जैसे छेद क्यों किए हैं? फैशन टीवी में देखकर डिजाइन किया है पापा, लाइफस्टाइल में भी ऐसी जींस नहीं मिलेगी। अरे वाह, क्या लेटेस्ट बातें भी बोलने लगा है। क्या बोला? ये लेटेस्ट फैशन नहीं है, ये जूते और जींस पहनकर अगर कॉलेज में जाएगा तो कोई भी इसे कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं समझेगा, ये अपने किसी रिश्तेदार के लिए डोनेशन मांग रहा है ऐसा समझेंगे। रहने भी दो, क्या बोल रहे हैं? हिंदी बोल रहा हूं मैं। बेटा अभी तुम अपनी लाइफस्टाइल कुछ बदल कर अच्छे कपड़े पहन लो ना, कॉलेज जाना है। अरे नहीं, अगर आप कहोगे तो मैं बिना कपड़ों के ही चलता हूँ पापा। अरे समझदार बेटे, इतना एडवांस कल्चर नहीं चाहिए, तुम नॉर्मल कपड़े पहनकर ही चलो, टाइम हो गया है। ओए, लड़की आ रही है। वाओ, वाओ, क्या सॉलिड टच है। सुनो भाई। सर। प्रिंसिपल साहब का कमरा कहाँ है? क्यों सर? कॉलेज में एडमिशन लेना है। आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे? तुम्हें मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला लगता हूँ? ये चले यहाँ से, इडियट। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा। मैं आए कमीन। अंदर तो आ ही चुके हो अब तुम, आओ आओ अंदर आओ मूर्ति, बैठो। हाँ बैठो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभी, टेक योर सीट, हाउ आर यू? फाइन सर। क्या हुआ, आज बाप बेटा मिलकर एक साथ आए हो? क्या करें, तुम अचानक प्रिंसिपल जो बन गए हो और मुझे कॉलेज में इसकी एडमिशन जो करानी थी इसीलिए तुम्हारे पास चला आया। वेरी गुड वेरी गुड, फाइल दिखाओ मुझे जरा। लेकिन इन बातों के लिए तुम्हारा आना कोई जरूरी नहीं था, ये अकेला था तो भी चल जाता। तू तो जानता ही है ना, बचपन से इसकी सारी जिम्मेदारी मैं खुद ही उठाता हूँ, उससे मुझे खुशी मिलती है। बैंक का टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। बैंक मत छोड़ना। ओके अभी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जाके कॉलेज की। ओके सर। अरे अरे यार, खड़े हो, क्या कर रहे हो? मार रहे हो? हाय मामू। हाय, आई एम अभी। आई एम चंदू। बाय द वे, ये मेरे दोस्त हैं। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। नाम अच्छा है मामू। मामू वो क्यों भला? हाँ मामू, अब अगले 3 साल तक हमें एक दूसरे से अच्छी पहचान बनानी है ना। अरे मामू, तूने कभी एलिफेंट वॉक देखी है क्या? क्या देखा? तुमने कभी रेड वॉक देखी है? हाँ देखी। अब तुम दोनों को एलिफेंट वॉक दिखाता हूँ, वो देखो। हट जाओ, कुचल दूंगी। ए सबको नीचे गिरा के कुचल दूंगी, समझे? Okay, next.
प्रीति प्रीति हेलो प्रीति वन सेकेंड क्या हुआ इतनी जल्दी मेरा नाम भी जान गए जरूरत थी ना कैसी जरूरत थी तुम्हारी डिटेल जानने के लिए यू हेलो अपने फॉर्म में जो डिटेल दी है ना वो पूरी नहीं है आपको कैश काउंटर पर बुला रहे हैं ये पहले भी तो बता सकते थे बताया ना अभी नखरे तो देखो पता नहीं क्या समझती अपने आपको वेलकम गर्ल्स एंड बॉयज आज से तुम लोगों का नया चैप्टर शुरू होने तो वाला खत्म है कब होगा मैडम जब तुम डिग्री पास करोगे तब May I come in, मैडम यस कम इन यहाँ जमा मुँह ये कैसा शोर है साइलेंस साइलेंस डियर स्टूडेंट्स समंदर को पार करने के लिए जिस तरह शिप की जरूरत होती है उसी तरह जिंदगी को बिताने के लिए फ्रेंडशिप जरूरी है फ्रेंडशिप की वजह से जिंदगी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है लाइफ इज ब्यूटीफुल मेक इट हार्टफुल डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम स्वाति है मैं केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ अब आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दो मेरा नाम करोड़ राजवंश है करोड़ राजवंश मुझे एक लाख तो दे दोगे ना पापा से पूछना पड़ेगा सिट डाउन नेक्स्ट माय नेम इज सूर्या सिट डाउन नेक्स्ट मेरा नाम सिर्फ मधु है सिर्फ मधु हाँ हाँ सिर्फ मधु सिर्फ मधु चलो जाने दो नेक्स्ट मेरा नाम चंदू है कुमार वीर वेंकट सत्या रुको रुको मेगा सीरियल नहीं चाहिए एक ही एपिसोड काफी है बैठो थैंक यू मैडम नेक्स्ट प्रीति साइलेंस सॉरी मैम माय नेम इज अभी सिट डाउन नेक्स्ट प्रीति मैम ओ तो तुम्हारा नाम है वो तो उसने बता दिया सिट डाउन बैठ जाओ बेटी डियर स्टूडेंट आज का टाइम तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही चला गया ओके स्टूडेंट्स वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास भूख लग रही मामू चल कैंटीन चलते हैं ए अभी अभी रुकना मैं भी आ रहा हूँ ओह माय गॉड ए मिस्टर हेलो हेलो मिस्टर ओह माय गॉड हेलो 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 क्या हो गया आपको मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया लड़की को देख के ज्यादा ही नाटक कर रहा है यार ये तो बहुत लकी लड़का है चांस मिलते ही लड़की की सुंदरता का मजा ले रहा है चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ नहीं यार ऐसे ही ठीक लग रहा है प्लीज ना प्लीज आप मेरी बात मानिए भाई एक मिनट मैं अभी आ जा रहा है अरे चंदू ये क्या हो गया तुझे चंदू चंदू मेरे आने से पहले ही तू ऊपर चला गया चंदू सॉरी सर मैडम आपको ठोकने के लिए मेरा दोस्त ही मिला था क्या इसके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है ये क्या किया आपने ये क्या कमीने पैर को पकड़ रहा बोलिए मैडम अरे ये क्या किया मैडम आपने मुझे कुछ नहीं हुआ मैडम के पैरों को परेशानी मत दे यहाँ बटन नहीं तो फूटेगा अभी तुम यही रुको चंदू को चोट लगी है ना मैं अभी आया तू भी चंदू अरे चंदू सब ड्रामेबाज हैं क्या किया मैडम आपने आपने हमारे चंदू को मार दिया चंदू उठ बे मैडम ये लोग बहाना बना रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए तुम भी याद है मैं सोच ही रहा था कि तुम कहाँ लेट हो मैडम आपका नया एडमिशन हुआ है क्या लेट एंट्री भी हूँ तुम लेट हो मैं फैट हूँ वैसे कौन सी क्लास में हो बीएससी फर्स्ट ईयर तब तो हमारी ही क्लास है ओए चुप करो बे कोई भी नया आ जाए तो अपने लोग इस तरह ही वेलकम करते हैं आप चिंता मत कीजिए विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू वेलकम गुड जॉब अरे डॉलर क्या ढूंढ रही हो मेरे गले की चेन में एक डॉलर भी था चेन तो है पर डॉलर कहीं गिर गया चेन है लेकिन डॉलर गिर गया भैया कहाँ से लाए हो ये क्या डॉलर देखते ही तुम्हारी आंखों में गड़ गया ऐसे घबरा रहे हो जैसे किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया हो पुलिस भले ही पकड़ ले लेकिन तुम्हारी नजर नहीं पड़नी चाहिए छोड़ो ये बताओ डॉलर गोल्ड का है ना प्योर गोल्ड मिला मुझे पता नहीं किसका होगा जाने दो इसे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो दूसरा खरीद लेंगे दूसरा खरीद के देने के लिए मेरी माँ नहीं है ना मतलब वो डॉलर मरने से एक सप्ताह पहले ही मेरी माँ ने मुझे प्रेजेंट किया था कितना भी खर्चा करके दूसरा डॉलर तो खरीद लूं
लेकिन उसमें मेरी माँ का प्यार तो वापस नहीं आ सकता है ना। सॉरी प्रीति, उसकी वैल्यू कितनी है ये हम लोग को आज पता चला। इसकी कीमत हम नहीं बता सकते, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ सेंटीमेंट तो जरूर होता है ना बहन। वो तो पता नहीं भैया, लेकिन उस लड़की का सेंटीमेंट आपके पास आ गया है। ये यहाँ क्या ढूंढ रही हो? कल शायद मेरा डॉलर यहीं कहीं गिरा था। कहीं और डॉलर खो के यहाँ ढूंढने का क्या फायदा, चल चल। इसका मतलब ये प्रीति का है। का? मैं इस कॉलेज का सीनियर हूँ और तू जूनियर है, चुपचाप से मेरे जूते पॉलिश करके अपना लॉकेट लेकर जा। कॉलेज में उनसे बेकार स्टूडेंट्स कोई नहीं है, तू उनके मुंह क्यों लग रहा था? मैं डॉलर की वजह से झगड़ा कर रहा था। किस डॉलर की बात कर रहा है तू? प्रीति का, मैं उसे देने गया तो मुझे गलत समझकर नाराज होकर चली गई। अरे जाएगी कहाँ, हॉस्टल ही जाएगी ना। ये डॉलर तुम्हें प्रीति को देना है ना? प्रीति प्रीति प्रीति, वहाँ सूरज हो या चांद, चाहे वहाँ कैसी भी दीवार क्यों ना हो, सात समंदर पार करके आज रात को तुम्हें लेडीज हॉस्टल में घुसना पड़ेगा। चाहे कोई भी सामने आए, चाहे झगड़ा ही क्यों ना करे, तुम्हारी छुरी का सामना तुम्हारी ताकत का जवाब नहीं देगा। हॉस्टल के दरवाजे को तोड़कर तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन आज रात को ये काम पूरा होना ही चाहिए। ए, चिल्लाओगी तो मार डालूंगा, समझ गई? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा रेप करने के लिए। रेप? क्या नहीं रेप करूँगा, चुपचाप अगर मेरी बात मानोगी तो मैं अपना काम खत्म करके यहाँ से चला जाऊँगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए छोड़ने नहीं, तुम्हें और तुम्हारी सुंदरता को 5-star चॉकलेट की तरह मजे लेकर खाने आया हूँ मैं। अभी ये क्या कर रहे हो? अभी छोड़ दो उसे। अरे हट। अभी 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 छोड़ दे, प्लीज अभी छोड़ दे इसे। अभी रानी रानी छोड़ दो। ए रानी क्या हुआ है तुम्हें? रानी रानी क्या हुआ है तुम्हें? कल मैंने सुना था अभी को, और सपने में वो तुम्हारा रेप करने आ गया। ओ, तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी बात सुनो, मेरी दादी कहती थी ऐसे सपने आए तो वो जरूर सच होते हैं। तुम्हारी दादी को मार डालूंगी मैं। वो तो बहुत पहले ही मर गई। तो उनकी जगह तुम्हें मार डालूंगी मैं। मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारा सेफ रहना जरूरी है। अभी के दोस्त की बातें सुनकर मुझे लगा वो जरूर हॉस्टल आएगा, मुझे पूरा यकीन है। इतनी रात को क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोई रिक्वेस्ट नहीं, बोलो तुम आधी रात में किसी लड़की से क्या काम है तुम्हें? एक बार अगर प्रीति को बुला दोगे तो बस एक मिनट बात करके चला जाऊंगा। मतलब
बे टाइम लेडीज हॉस्टल में आकर एक लड़की को बुलाकर लाने वाली मीडिएटर दिखती हूँ क्या तुम्हें? पुलिस को अगर बुला लिया तो पता है ना क्या होगा? ऐसा मत करिए मैडम, एक बार अगर आप प्रीति बुला देंगी तो। इस टाइम लेडीज हॉस्टल में आकर इस तरह का शोर करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक्सक्यूज मी, मैं आपको ये देने आया था। शट अप, सड़क पर चलने फिरने वालों से गिफ्ट लेने वाली मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। कॉलेज में एडमिशन लेना काफी नहीं है, मिनिमम कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। जहाँ लड़की देखी बस पीछे पीछे चलने लगते हो। छी छी, ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। थोड़ी सी अक्ल वाला भी ऐसी बुरी हरकतें नहीं करता कभी। गेट आउट फ्रॉम हियर, आई सेड गेट आउट। कल तुमने 1000 रिस्क लेकर हॉस्टल जाकर डॉलर देकर आए हो, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, रिस्पांस नहीं। लगता है वो डॉलर उस लड़की का नहीं था। डाउट मुझे मत बता, वो डॉलर उसी का है। चलो चलो आगे बढ़ो, टिकट 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 प्लीज। एवीआर कॉलेज 4 टिकट। हाँ, माय टिकट। एवीआर कॉलेज 4 टिकट। क्या हुआ, दोनों के पास 500 के नोट है क्या? क्या तुम्हारे पास खुले पैसे? मेरे पास जितने भी है उन सबको मिला के भी तुम्हें खुला नहीं दे पाऊंगा। मैडम प्लीज टिकट। ये क्या? ये लीजिए टिकट। सुनो भाई, बस से उतरने के बाद ही खुले दे देंगी, आप ले लेना। ये क्या बात है, इसका लड़के उसका कनेक्शन है? भाई अभी तो उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, बीच में मत कूदो। ठीक है, नहीं कूदता। पंडित जी कैसे हो? फालतू की बात नहीं, तुम अपनी बात कहो। अपनी बात का घंटा कहूं? रुको 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 रुको, जरा उत्तर में आइए या थोड़ा दक्षिण में आइए। हाँ आप बोलिए। थिएटर बनाने के लिए कहा था ना, बनाया ना? बनाया। मुहूर्त अच्छा है बेटा, शुरू कर दे कहा था ना? था। किया ना? किया था। तो अब क्या हुआ? मुझसे क्यों पूछ रहा, तुझे बताना चाहिए ना। मैं क्या सुनाऊं राम कथा, पहले ही दिन एक आदमी टपक गया। हा? कोई थिएटर में फिल्म देख रहा था, उसे फोन आया कि उसे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, वो सुनकर ऊपर से गिर गया। तो अच्छी बात है ना? इसमें अच्छी बात क्या है बे? उस दिन के बाद थिएटर में लोग आना बंद हो गए, बेचना चाहो तो कोई खरीदार नहीं मिल रहा। तो एक काम करो तुम। बोलो क्या करूँ मैं? उस थिएटर को पूरा तोड़वा के ईस्ट फेसिंग में दोबारा बनवा, अच्छा रहेगा। जीतू के लिए ईस्ट फेस। ईस्ट फेसिंग? हाँ। उसके पैसे कौन देगा? मरने वाला देगा ना। लेकिन वो तो मर गया ना। अरे उसके पास 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट है ना। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। क्या? पुलिस वालों के आने के बाद पता चला तो क्या? उस आदमी के आगे पीछे रोने वाला हाँ। कोई नहीं है, ये पता चलता ही वो टिकट पुलिस वालों ने दबा ली। संसार में हम अकेले नहीं, और भी धोखेबाज हैं। करेक्ट सर। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो? बोल रहा हूँ भाई। पक्का? पक्का क्या पूछ रहे हो, पक्के का भी पक्का है? सच कह रहे हो? भरोसा नहीं है? नहीं मानता तो टेस्ट करा लेना। अबे ओ सुरेश, तू अब मरा। सुरेश अब मरा है, लिख लो। ओके सर। अरे बाप रे गुरुजी, आप कोई सामान्य आदमी नहीं हो। जा 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 जा। मैं सुरेश को लेकर आता हूँ। मैं। अरे भक्ति। यस सर। क्या हुआ, हमारे वास्तु में बहुत सी बाधाएं क्यों आ रही हैं? 2 दिन पहले एक होटल हमने खुलवाया, उसमें 100 लोग खाना खाने की वजह से मर गए और होटल बंद हो गया, और यहाँ थिएटर बंद हो गया है, क्या गड़बड़ हो रही है? कुछ नहीं सर। हाँ। आप अपने सेटअप में रहते हैं तो ठीक रहते हैं। वही बात है। बिल्कुल सर। तो फिर इंतजाम करो। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। वास्तु ज्योतिष बताने वाले रवि शास्त्री आप ही हो? नहीं, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। गुरुजी अंदर बैठे हैं। हाँ बोलो। नमस्ते शास्त्री जी। क्या प्रॉब्लम है? शादी हुए 3 साल हो गए, मेरे बेडरूम में जाते ही मेरी बीवी मुझे देखकर गिर जाती है। तुम्हारे ऊपर? नहीं जी, नीचे। नीचे गिर जाती है? हाँ जी। अच्छा बेडरूम किस दिशा में बनवाया है तुमने? पूरब की ओर। हाँ तो ये बताओ, अच्छा वो तुम्हारे ऊपर नहीं नीचे गिर जाती है? एक काम करो तुम। हाँ जी। पूर्व दिशा के बेडरूम को तोड़वा कर उत्तर में बनवा लो, ठीक है? अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। ठीक है। भक्ति। यस सर। कम ऑन। तुम्हारी सेटअप की सेवा सुनते ही कैसे अच्छे आइडिया आ रहे हैं। तो आपका टैलेंट है। हाँ। वन मोर प्लीज। किया धरा करके यहाँ देखो, मेडिटेशन किए जा रहा है। सुनिए, आपसे कोई मिलने आया है? क्या हुआ?
रविंद्र को मार दिया क्या? नहीं भाई, चार बार कोशिश की थी लेकिन वो बचकर दिल्ली भाग गया। ये बात बताने के लिए तुम मेरे पास आए हो? आप चिंता मत करो भाई, रविंद्र भागकर कहीं नहीं जाएगा, जल्द आपकी बेल करवा दूंगा भाई। जाओ बे, वो वहाँ एसी रूम में बैठकर मजे ले रहा है और मैं यहाँ जेल में गर्मी से सड़ रहा हूँ। तुम मेरी बेल करवाओगे इसका मुझे भरोसा नहीं है, और ना मैं इस जेल से बाहर आ पाऊंगा इसका मुझे विश्वास है। जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से। तुम लोग उस रविंद्र की मौत की खबर या मेरे बेल पेपर्स के साथ यहाँ दोबारा आना, वरना। नहीं भाई, उससे बदला लेने के लिए रास्ता ढूंढ रहा हूँ। हाँ, रास्ता मिल गया। मैं अपने भाई की मौत को सोचकर कैसे रो रहा हूँ, ठीक वैसे ही वो भी रोना चाहिए। उसकी बहन को मार डालो। अब तुम लोग जाओ, जाओ यहाँ से। सुपर है। अरे पकड़ना। हे, दे दे प्रीति। ये। ओए, वहाँ क्या देख रहा है? यहाँ देख। हाँ तो देख रहा हूँ ना। क्या क्या? डाल ना, डाल। मुझे इधर। अरे उसको दे, उसको दे। Come on। ओए, बोला ना, यहाँ देख। ठीक है, ठीक है। ये बॉल इधर देना। अरे अरे बेटा। आहो। आहो। अबे घूमना बंद करो और बॉल डालता हूँ। अभी, अभी, क्या हुआ अभी? ऐसे अचानक क्यों कर गया तू? क्या हो गया तेरे को अभी? उठना। ओए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अभी पता कुछ नहीं हुआ। चुपचाप से लेट जा। अभी क्या हुआ? अरे मेरे दोस्त, क्या हो गया तुझे? तो हॉस्पिटल ले चलते हैं ना? कितना टाइम नहीं है यार। कोई सुंदर सी लड़की अगर दिल पर हाथ रख कर रगड़े तो ठीक हो जाएगा। जल्दी। मेल हैंड से कुछ नहीं होगा यार, फीमेल का ही हैंड काम करेगा। ऐसे उसका सर अपनी गोद पे रखकर उसके दिल को ऐसे ऐसे रगड़ो तो ठीक हो जाएगा। हाँ रगड़ो रगड़ो ऐसे ऐसे। हाँ जल्दी। अरे इसको रगड़ो रगड़ो जल्दी। और कुछ भी करो रगड़ो। सुनो, दिल शर्ट के बाहर नहीं अंदर होता है, और अंदर जाकर रगड़ो। हाँ ऐसे ही अंदर हाथ डाल के रगड़ो। हाँ रगड़ो। और जरा और अच्छी तरह से रगड़ो। और अच्छी तरह से रगड़ो। हाँ ऐसे ही रगड़ते रहो। मैं कहाँ हूँ? अरे तू प्रीति के पास है। मौके पर आकर इन्होंने तेरे दिल को रगड़कर तेरी जान बचाई है। थैंक्स प्रीति। अब तो रगड़ना बंद कर दो, तुम्हारा ऐसे रगड़ना देखकर ये शाम तक ऐसे रगड़वाता रहेगा। अब तुम जो हम देख लेंगे। हाँ भाइयों, चलो भाई, अब होश में आ गया है। आप लोग जाइए जाइए। गया कहीं वो मेरी ये जान ले गई, वो मेरे दिल पर छा गई, वो मुझको तो है भा गई। ये मेरा दिल खो गया कहीं वो मेरी ये जान ले गई, वो मेरे दिल पर छा गई, वो मुझको तो है भा गई। दिल खो गया कहीं वो मेरी ये जान ले गई। तो फिर मैं मर जा।
जान ले कही हो। फोन देता हूँ। नमस्ते शंकर भाई। नमस्ते। मैं गौरी शंकर का राइट हैंड सीताराम बोल रहा हूँ। हाँ बोलना छोटे। अपने गौरी शंकर के जानी दुश्मन रविंद्र नाथ की बहन का किडनैप करना है भाई। कहाँ मिलेगा वो? कॉलेज जाने के लिए जुहू डिपो से जाती है भाई। तो कल ही किडनैप कर लेते हैं ना छोटे। थैंक्स भाई। कल ही राजू भाई के लोग उस रविंद्र नाथ की बहन का किडनैप करके हमारे हवाले कर देंगे और हम उसे मार डालेंगे। वो बस अभी तक नहीं आई, कितना इंतजार करना पड़ेगा। क्या हुआ, नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हें दिक्कत नहीं है क्या? पैर कुचल दिया मेरा। मेरे पैर के सामने आने से मैं आदमी को भी कुचलता हुआ चला जाता हूँ। ऐसी हरकत करोगे तो पुलिस कंप्लेंट करूंगी। बस स्टॉप में सबके सामने चुम्मा भी। बटला भाई के आदमी को मारा तूने? ओए बटला भाई का आदमी है तो क्या हुआ, बटला भाई खुद होगा ना तो भी मारूंगा उसे। ओए तुझे लापता कर दूंगा दुनिया से। ओए मेरा नाम अभी है, एड्रेस है एवीआर कॉलेज, अगर तेरे में दम है ना तो मुझे वहां से लापता कर दूंगा। भाई बटला भाई उठाकर लाने के लिए कहा, उसका क्या हुआ बे? उसने हमें मारा भाई। तो तुम क्या कर रहे थे बे? लेकिन वो औरों जैसा नहीं था भाई। कहाँ मिलेगा वो? एवीआर कॉलेज का स्टूडेंट है, नाम है अभी। हीरो है क्या वहाँ? लगता तो ऐसा ही है। उसे मेरा नाम नहीं बोला था क्या? आपका नाम बताने के बाद ही उसने इतना मारा भाई। अच्छा, खाता क्या है वो? माँ कसम अंडे तो खाता ही होगा। स्टॉप पर हुआ था क्या? भाई का पूरा थोबड़ा बिगाड़ दिया भाई। उसे छेड़ने से वो बीच पे क्यों टपका? मुझे अच्छा नहीं लगा होगा भाई। लेकिन तुम्हें अच्छा लगा? मुझे अच्छा नहीं लगा इसीलिए तो फाइट हुई माँ। तुम उसे मत छोड़ना भाई। नहीं छोड़ूंगा। आज क्लास का क्या हुआ? अरे क्लास का क्या होगा यार, आज नहीं तो कल ले लेंगे, लेकिन फिल्म तो रिलीज होने वाले दिन ही देखनी चाहिए। अच्छा तो अब चलते हैं। अभी का बच्चा कहाँ है? क्यों बे? उसके लिए बटला भाई आए हैं। वो कौन है? तो तू बटला भाई को नहीं जानता बे? जानने से हमारा क्या फायदा? कौन है ये? किस बात की मत? यही है भाई, उस अभी के दोस्त। हाँ दोस्त। तो क्या हुआ? अभी किधर है? नहीं बताएगा तो मार डालूंगा। मुझे मारेगा? मार मार मार। भाई वही है रविंद्र नाथ की बहन। तो जाओ रो उसे उठाकर लाओ। अभी अभी क्या हुआ? कल बस स्टॉप पर शंकर भाई के गुंडे जो झगड़ा कर रहे थे वो आकर प्रीति को उठाकर ले गए यार। या, लड़की को ऐसे देख रहे हो जैसे खा जाओगे, चुम्मी लेनी है तो ले लो। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा, भाई की हाइट थोड़ी कम है ना। भाई तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, लो इस पर चढ़कर चुम्मी ले लो, चढ़ जाओ।
अभी छोड़ देगा। तुम अपनी इस मुर्गी को लेकर यहाँ से चले जाओ। भाई को माफ कर दो। छे, वो शंकर का बच्चा बहुत बड़ा दादा होगा सोचकर उसने काम दिया था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। गौरी भाई के सामने अगर सर उठाकर जीना है तो उस रविंद्र नाथ की बहन को हमें मारना ही होगा। अभी अभी हाय हाय, कुछ बात करनी है। तो इसमें क्या बात है? करो ना। तुमसे नहीं, अभी से कुछ पर्सनल है। जा भाई, जा जा, आ जा। तो क्या हम भी बाजू में जाकर बात करें? जूते पड़ेंगे। बहुत सारे जूते होंगे ना भाई। बाप रे। तुमने जब डॉलर दिया था तब मैं तुम्हें थैंक्स नहीं बोल पाई। कल तुमने मुझे गुंडों से भी बचाया, तो अब मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक्स प्रीति। वो क्यों? कम से कम अब तो मुझे समझा तुमने। एनीवे, आज से हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके, टेक इट। देख रहे हो? किताब देख रहा हूँ। किताब टेबल पर पड़ी है, मेरे चेहरे पर नहीं। उसमें देखो, देखो ना। दिखा। वाव, भाग्य रेखा, प्रेम रेखा, संतान रेखा। शायद तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी रेखाएं बहुत अच्छी हैं। क्यों अभी, ऐसा क्या है? रहने दो प्रीति, तुम्हें भरोसा नहीं होगा। रहने दो, तुम बताओ ना। तुम लव मैरिज करो। सच में? किसी जानने वाले से या अनजान से? अनजाने से कैसा प्यार, वो तुम्हारे बहुत करीब है। लाइब्रेरियन सर। नथिंग सर। बहुत गोरा होगा। तू चंदू? चंदू नहीं, वो तुम्हारी हाइट के बराबर होगा। हाइट? राजू। अरे धत, तुम्हें तो वही लोग याद आ रहे हैं। तुम्हारी बातों से तो मुझे वो लोग ही याद आ रहे हैं। ओके,
ये बताओ कि मेरे दिल में कौन है? मैं हूँ ना। अब तुम जरा बताओ कि मेरे दिल में कौन है? मैं हूँ। हाँ, ये भी करेक्ट है। एग्जाम कैसा रहा? मेरा तो ठीक ही रहा। क्या बताऊँ, मेरा भी अच्छा गया, बस मुझे थोड़ा टफ लग रहा था। ओए, वही है उस रविंद्रनाथ की बहन, उसका ही किडनैप करना है। तुम जाकर जीप के पास तैयार रहना, ओके? हाँ। हाय प्रीति। हाय। ओके बाय। ओके बाय। सी यू। नमस्कार जीतू भाई। अंदर जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा भाई। चलो ना भाई, कुछ लीजिए ना। चल बे, रिश्वत लेना बुरी बात है। भक्ति सर, शंकर सिंह का घर तोड़वा देना है। ओके सर। उस डॉक्टर को अस्पताल तोड़वा कर कब्रिस्तान बनाना है। अरे नमस्ते शास्त्री जी। आओ 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 जीतू, ठीक हो ना? हाँ, आपका आशीर्वाद है। तो बोलो क्या बात है? यही मेरा दोस्त सुरेश कुमार है। ले अभी ना, मैं बताता हूँ। हाँ तुम चुप करो, वो अपने बारे में खुद बताएंगे, तुम बोलो। वो नहीं बोल सकता शास्त्री। क्यों, इतनी चर्बी है ऐसे? बोलेगा नहीं तो आया क्यों है मेरे पास? शांत हो जाइए गुरु जी, ये बचपन से ही गूंगा है। बे बे बे। ओहो। लिखो भक्ति। यस सर। सुरेश कुमार लिख लो। लिख लिया? यहाँ दो। क्या अचार और पापड़ का बिजनेस करना चाहते हो? हाँ शास्त्री जी। वो तुम चुप करो ना, वो खुद बोलेंगे। अचार और पापड़, अच्छा है। इस बिजनेस को करके बहुत लोग करोड़पति बन चुके हैं। इस बिजनेस पर मैं कल प्लान बना कर दूंगा, आप आकर लेके जाना। भक्ति सर, अचार और पापड़ लिख लो। ओके क्या फीस? काम खत्म होने के बाद ही ये शास्त्री रवि शर्मा फीस लेता है। इसके पास बचेगा तो तुम लोगे ना? क्या कहा? अरे इसके पास बचेगा तो ही मैं लूंगा, ऐसा सोच रहा है ना? इस शास्त्री रवि शर्मा की पावर कल दिखाऊंगा, कल तुम आकर प्लान ले जाना। बहुत ऊपर उठोगे। एकदम ऊपर। वही मना कर रहा हूँ ना तुम्हें। गलती हो गई गुरुजी। चल भाई सुरेश, चल 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 चल। बेवकूफ कहीं के। भक्ति एक 90 ml का दे दो। श्योर सर। कहाँ है वो? देखो वहाँ है। अभी चिप्स को चरचर करके खा रहा है और रीटा भी चरचर करके खा रही है। दोनों एक जैसे क्यों खा रहे हैं? दोनों की सेम फीलिंग है इसलिए। रीटा हंस रही है, अभी भी हंस रहा है। रीटा उसे खाने की नजर से देख रही है। ये क्या कह रही है? वो पहले से ही खा रही है ना, चिप्स को नहीं अभी के लिप्स को। बेकर कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ रहा है, अभी पी रहा है। रीटा भी पी रही है। वेटर को वहाँ से भगा दिया, वो जा भी चुका है। रीटा ने ऊपर फैला दिया, नहीं यार, कोल्ड ड्रिंक को। अभी खड़ा हुआ, रुमाल निकाला, पास आया, अभी टच। रीटा फील, अभी टच। रीटा फील, अभी टच। रीटा फील, अभी टच। ये सब क्या कह रही है? कट। वहाँ अभी के चमचे आ गए। बाय रीटा। अभी रीटा को बाय कहकर चला गया। जरूरी बात, रीटा ने अभी का रुमाल वापस नहीं किया। तो हम क्या करें? तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। ये दे। ए, क्या है ये? ए, आइंदा अभी से आ आ ई की तो माँ कसम दबा के मार डालूंगी। चलो। मतलब अभी और रीटा प्यार करते हैं क्या? लगते तो ऐसे मूड में हैं। अभी उस लड़की को फंसा रहा है या वो लड़की अभी को फंसा रही है? वो उसे फंसाए या वो उसे फंसाए, दोनों का एक दो दिन में एक होने की गारंटी। तुम डिसाइड करोगी क्या? पेशेंट को आगाह करना डॉक्टर की गारंटी, दोस्तों को सलाह देना दोस्त का फर्ज है। सेब जैसे अभी को चींटी जैसी रीटा लेकर जा रही है और तुम जानबूझकर सब देख रही हो? तुम एक लड़की नहीं हो क्या? तुम्हारा दिल नहीं है क्या? तुम्हें प्यार की कदर नहीं है क्या? तुम्हारी जिंदगी यही खत्म हो गई? प्लीज थोड़ी देर मुंह बंद रखोगी? बंद रखूंगी। तुम आंखें खोलो, मैं मुंह बंद रखूंगी। चली हुई गोली, मिस हुआ बॉयफ्रेंड, कभी वापस नहीं आते, ये याद रख, याद रख, याद रख। ओए छोटे, रिएक्शन नहीं हो रहा, क्या करूं? अब ये भी मैं बताऊं, घर पर क्या कर रही थी? ए, ये फिजिक्स का लैब है या केमिस्ट्री का लैब है? अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं यहाँ होता। अबे मोटे, इसे केमिस्ट्री की लैब कहते हैं। अबे मोटे, वो नाइट्रिक एसिड पी ले, खांसी कम हो जाए। खुद ही पी ले ना। अरे खांसी कम करने की सलाह दी है, कुछ गलत थोड़ी का। सुना नहीं क्या तुमने? बाहर आना बताऊंगा तुझे। किसी को चिल्लाना है तो बाहर जाओ।
अभी तुम्हारे पास दूसरा पेन है क्या? ये लो। थैंक्स। 10 ml स्प्रिट और 10 ml कलर इफेक्ट। ओके, इन दोनों को अच्छी तरह मिलाकर। ये क्या है, स्प्रिट मिलाकर पी रहे हो? स्प्रिट के लिए मैडम। इडियट, सारे दिमागदार इसी कॉलेज में आते हैं क्या? जल्दबाजी मत कीजिए मैडम, ये असली स्प्रिट है, टेस्ट करके चेक कर रहा हूँ। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, ये प्रैक्टिकल चेन कैंसर। तो मत करो ना, खुद को क्या अब्दुल कलाम समझ रहे हो? अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो देश का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अपमान हो रहा है, अगर दुखों को भूलना है तो 10 ml स्प्रिट माननी पड़ेगी। अभी ये केमिकल रिएक्शन ठीक से नहीं आ रहा है। कॉम्बिनेशन क्या किया? साइलेंट, ये खुशबूस क्या चल रही है? खुशबूस नहीं है मैडम, थोड़ी हेल्प मांगी मैंने। इनसे हेल्प मांग रहे हो? मैं हूँ ना। इतने छोटे से डाउट के लिए आपको क्यों परेशान करें? वेरी गुड, आपस में समझकर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से अच्छा प्रैक्टिकल करो। ओके, थैंक यू मैडम। अभी अमोनियम। अमोनियम अभी रिएक्शन नहीं आ रहा है, देखो कौन तो सा प्रैक्टिकल दिया तुमने? इस लिक्विड में क्या है वही देखना है। कौन सा लिक्विड? अभी ये अमोनियम ही है ना, जरा देखो। अभी तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं? मैं इससे कुछ पूछ रही हूँ, तो बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रही है? मैं भी इससे कुछ पूछ ही रही थी, तुम्हें भी हो। स्टॉप, इतनी सी बात में झगड़ा क्यों कर रही हो? रीटा, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। ये रिएक्शन। ओके, तो तुम इसकी प्रॉब्लम ही सुन लो। प्रीति मेरी बात तो सुनो। अरे अभी आग लग गई। अरे प्रीति, कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? आपने जो ग्रेट हेल्प की है। मैंने कौन सी हेल्प? अभी और प्रीति को मिलाने के लिए, उनके प्यार को सक्सेस करने के लिए। हमने ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे। हमारे एक्सपेरिमेंट हम पर उल्टे होते देख हम लोग कोमा में जाने लगे थे, लेकिन प्रीति के सामने कॉम्पिटिशन में उतर कर उसके दिल में जलेसी जगा कर उससे प्यार करवा दिया। प्यार उसे मिला, जीत आपकी हुई। आप अगर परमिशन दो तो एक बार। अरे वो ही पैरों पर गिरने के लिए आए हैं। ऐसा मत कहिए, आपको देखना हमारा सौभाग्य है। आपको टच करना हमारे पूर्व जन्म का कर्म फल है। आपसे एक बार। स्टॉप, ज्यादा तारीफ मत करो, इमोशनल हो जाऊंगी। तुम्हें इमोशन आए इसलिए कह रहे हैं। अभी प्रीति तो एक हो गए हैं, कल फ्रेंड्स के बिना हम गधों की तरह घूम रहे हैं। हम में से किसी एक के साथ प्यार करने में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? सॉरी, प्लीज ऐसे मत कहिए। आप मना करोगी तो आपके पैरों पर गिर जाऊंगा। ये क्या बात है, आप तो हर बात में पैर पर। हम आपको देखने के बाद आपके भक्त बन गए हैं। हाँ रीता, अरे मुझे जाने दो। रीता ले लो। हाँ बोलो, क्या चाहिए? हम तुम्हें चाहते हैं। वो फिल्म बाद में देखेंगे, पहले बताओ क्या खाओगे? मुझे भूख नहीं लग रही है प्रीति। कब से? हाँ जब से तुमने आई लव यू कहा है तब से। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं। इसी को कहते हैं प्यार में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को बांट लेना चाहिए। ऑर्डर सर। दो प्लेट कटलेट लेकर। ओके सर। ये क्या बात हुई, अभी तो कह रहे थे कि भूख नहीं। क्या करे, तुम्हारी भूख मुझे लग गई। भूख तो ठीक है, लेकिन मुझे प्यार करने की वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मम्मी पापा? मम्मी पापा उनका टेंशन मुझ पर छोड़ दो, मेरी माँ कभी भी मेरी बात नहीं टालती। और पापा? मैं उनकी परवाह नहीं करता। तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? डर और उनसे है, वो मुझे सपने में भी आंख उठाकर नहीं देख सकते। वो क्या तुमसे इतना डरते हैं? उन्हें ऐसे कंट्रोल कर रखा है मैंने। प्रमोशन मिल गया, पहले क्यों नहीं बताया? वही बताने के लिए आया हूँ सर। क्या हुआ अभी? मेरे डैडी। अरे फोन पर बताया होता। चलो दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। हाँ बैठो। सब ठीक है सर। हाँ बोलो क्या चल रहा है? आपके आशीर्वाद से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। अरे सर, यहाँ तो क्या हुआ भाई? यहाँ कोई और लोग थे सर। कोई और थे? मतलब कौन थे वो? लवर्स थे। लवर्स थे? मतलब तुम्हें ऑर्डर देकर बिना बताए निकल गए क्या? हाँ सर। डोंट वरी, इसे यहाँ रख दो, हम खा लेंगे, बिल भर देंगे। डर गया होगा लगता। हाँ जी सर, ऐसा ही है। थैंक यू सर। ये क्या बात हुई अभी, तुम तो कह रहे थे कि वो तुमसे डरते हैं। मैंने कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा वो तुमसे सपने में भी डरते हैं।
तुमने गलत सुना होगा, मैं उन्हें सपने में भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। चलो 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 यहाँ से। अभी तुम भी ना। हेलो हेलो, हाउ आर यू? फाइन। लवर्स डे पर कुछ लवर्स का इंटरव्यू करके बेस्ट पेयर को सिलेक्ट किया जाएगा। प्लीज हमें जाने दो। नो 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 नो, आपसे सिर्फ दो ही सवाल पूछूंगा, उसका ठीक ठीक जवाब देना। ये प्यार किसे होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है? हमें सर दर्द हो रहा है, हमें जाने दीजिए। नो 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 नो, जब तक आप ठीक जवाब नहीं देते मैं आपको छोड़ नहीं सकता। वो दरअसल प्यार ना क्या कहाँ होता है, किसे होता है, कैसे होता है, बोलो तो। सिर्फ प्यार ही नहीं, प्यार एक आकाश है, प्यार एक समंदर है। आकाश और समंदर कैसे पैदा हुए बता सकते हो क्या? वेरी गुड, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया लेकिन आपका जवाब बहुत अच्छा था। दूसरा सवाल, इस दुनिया में प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अब तक हमारे बीच में कोई नहीं आया है। तो आएगा ही। सुरेश जी, वो हमारा अभी है ना? इनकी दादी हो सकती है या तुम्हारे नाना हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये यहाँ मुझे देखा नहीं होगा शायद। हाँ सर। एक मिनट। ओके सर, मैं अभी वापस आया। ठीक है सर। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, चलो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अरे ये कहाँ गए? चलो पीछे का फोटो ले लेता हूँ। थैंक यू। साथ में ये लड़की कौन है? हेलो भाई, प्रीति तो किसी के साथ बाइक पर जा रही है। भाई क्या कहा? मेरी बहन किसी लड़के के साथ बाइक पर जा रही है? हाँ भाई, मार डालो उसे। बाय अभी। बाय। अभी नाम से एक पेशेंट आया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप वेट कीजिए। हम देख सकते हैं क्या? नहीं, परमिशन नहीं है, 10 मिनट वेट कीजिए। लेकिन उसकी कंडीशन तो ठीक है ना? कंडीशन कैसी है? अब ठीक है मैम। पांच मिनट के बाद ये बोतल बदल देना। हमारा बेटा कैसा है? पेशेंट ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। आओ। अभी ये सब क्या है? लाइफ में इस तरह के टेंशन ना मिले तो थ्रिल किस बात का? तेरा क्या है, तू तो सहन कर लेगा, पर हमें कितना दर्द होगा पता है? हमला करने वाले कौन गुंडे थे देखा कि नहीं? मैं तो कब का समझ चुका था। उन्हें तुम भले ही माफ कर दो लेकिन हम माफ नहीं करेंगे। क्या करोगे? जब कभी हमारे सामने आ गए तो हम माफी मांग कर भाग जाएंगे। और क्या? चल बे इडियट। ठीक है ठीक है, फालतू की बकवास बंद करो, इसे रेस्ट करने दो। Wish you happy recovery भैया। Thank you sister। शायद तुम उस हॉस्टल में और रही तो शायद और प्रॉब्लम बढ़ जाए। प्लीज भैया। सुनो, आज से तुम हॉस्टल में नहीं अपने गेस्ट हाउस में रहोगी, समझ गई ना? बात सुनो भैया। नहीं, जब से मैं राजनीति में आया हूँ सारे सेंटिमेंट्स भूल चुका हूँ। अगर तुम उस लड़के को नहीं भुला सकती हो तो याद रखना, उसके साथ में तुम्हें भी मार डालूंगा। गंगा सर, मंगा सर। यस सर। आज से मेरी बहन की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। ठीक है सर। आज के बाद ये कभी भी कहीं भी जाए तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है सर। किसी पर जरा भी शक हो तो मार डालो उसे, समझ गए ना? ठीक है सर। ए मस्तान। हाँ भाई। याद रख, इस गेस्ट हाउस की तरफ कोई भी अगर सर उठाकर आया
तो उसका सर काट डालना। हाय अभी। हाय। हाउ आर यू? आई एम फाइन। विश यू स्पीडी रिकवरी। थैंक यू सुमन। प्रीति कैसी है? क्या बताऊं, प्रीति के भैया प्रीति को घर से बाहर ही नहीं आने दे रहे। उतना जैसी दो बॉडीगार्ड भी रखी हुई हैं। उस बेचारी को वो लोग न जाने कितना टॉर्चर कर रहे होंगे। वो टीचर को छोड़ो, अभी की तबीयत जानने के लिए प्रीति कितनी ज्यादा चिंता में होगी। सुमन बहन, एक आइडिया है। कैसा आइडिया? प्रीति के गेस्ट हाउस का नंबर जानती हूँ? जानती हूँ। तो एक बार फोन करो। हाँ? हेलो हेलो, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम टेलीफोन एक्सचेंज। आपका फोन चालू है क्या? ये क्या बात हुई? अरे हमारा फोन ठीक है, तभी तो तुमसे बात कर रही हूँ ना मैं। थैंक्स, पिछले 10 महीने से आपने फोन का बिल नहीं भरा, इसलिए हम आपका फोन काट रहे हैं। ए चुप कर, हमने बिल नहीं भरा ये बात तुम्हें किसने कही? किसी ने नहीं कहा हमसे, कंप्यूटर पे रीडिंग दिखाई दे रही है। तुम अपने कंप्यूटर को कचरे में फेंक दो। हम फोन बिल ही नहीं, फैक्स बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, कुछ भी नहीं भरते। कुछ नहीं भरते? मुझे दो ना। हेलो, आई एम डायरेक्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। हमारे स्टाफ से थोड़ी गलती हो गई, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ ओके, अपने स्टाफ को कंट्रोल में रहने को बोलो। श्योर श्योर, एक बार आपकी फैक्स लाइन देखनी है, फैक्स नंबर बताएंगे जरा? हाँ लिखो लिखो। फैक्स नंबर चाहिए? हाँ वो क्या था, हाँ 5562650 3। 5562650 3। मेरी सुंदर परी मुझे अपना बना लो, मैं भी तेरी होना चाहूं, मुझे मन में बसा लो। तेरी मुस्कुराहटों ने ही दीपक जलाए, अब देर ना करो सजन, दिल से दिल हम मिलाए। ओ मेरी सुंदर परी मुझे अपना बना लो, भी तेरी होना चाहूं, मुझे मन में बसा लो। तूने चोरी चोरी से आकर दिल मेरा चुराया, अरे मैंने भी तो तुझे मेरे ख्वाबों में सजाया। फूलों से सुंदर, कलियों से नाजुक बदन है तेरा, तेरा साथ पाके लगता है सुंदर ये जहान सारा। ओ प्यार के बगिया का सुंदर फूल हो तुम, अब तेरी दुनिया में गुम हो जाऊं मैं। दिल से चाह तुझको ए जाने मन, तू ही जिसे ही सजना। हे छोड़ो जरा पास आओ, बनाओ ना बतिया। हाँ, लगता है डर तेरी कसम साथ छूटे ना। हे तेरे बिना जी ना पाऊं, मैं हूँ दीवाना। हाँ, देखते है तुझे मन में ये सरगम बजता है, तेरी मुस्कानों से ये जहाँ खिलता है। दिल से तुझको जिसे ही सनम। ओ मेरे
मेरी सुंदर परी मुझे अपना बना लो। मैं भी तेरी होना चाहूँ, मुझे मन में बसा लो। तेरी मुस्कुराहटों ने ही दीपक जलाए। अब देरी ना करो सजन, दिल से दिल हम मिलाए। फैक्स मैसेज देखकर प्रीति कितनी ज्यादा खुश हुई होगी ना। ये मैसेज काफी नहीं है, डायरेक्ट प्रीति से बात करनी होगी मुझे। क्यों भाई, कोई नया प्लान बनाने वाला है क्या? ए! अगर तू प्रीति से बात करने की कोशिश करेगा तो बात करने से पहले मर जाएगा या बात करने के बाद मर जाएगा? मुझे मत बताओ, डरने वाले रोज मरते हैं समझे। निडर एक ही बार मरता है। अगर तुम नहीं डरते तो जो मैं कहता हूँ वो करो। भाई, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान, अपनी ताकत, अपना सब कुछ दांव पे लगा दूंगा। वहाँ गोलियां मिलेंगी, मूत्रपिंड की कोई जरूरत नहीं है। इतना त्याग नहीं चाहिए, बस प्रीति के घर की बिजली तुरंत बंद होनी चाहिए। बिजली बंद करनी है बस ना। घर में कौन है? आदमी दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? सॉरी, आप आदमी की तरह नहीं लग रहे थे। हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आए हैं। आपके घर में बिजली चली गई, किसी ने फोन करके बुलाया है? किसी और ने नहीं, हमने ही किया था। फोन करने वाले आप ही हो, हमको थोड़ी पता है ना। अब पता चल गया ना। अंदर एक बार मीटर चेक कर सकते हैं क्या? तो जल्दी से चेक कर लो। देख कह रहा, जल्दी चल। हाँ हाँ चलो। मुंह बंद करो। ए, कौन हो तुम लोग? हम आपकी चेक करने आए हैं। मेरी क्या करने? वही, आपके अंदर बिजली है या नहीं। मुझमें बिजली का क्या मतलब? अरे मतलब आपके घर में। ओहो, तो आप बिजली ऑफिस से आए हो। ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिए। मंगा, इनको लेके जाओ। जाओ भाई, जाकर अच्छी तरह चेक कर। चलिए, मीटर बॉक्स कहाँ है बताइए। ये मीटर बॉक्स है क्या? ओके ओके ओके। अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर करके दिखाओ ना। दिखा तो रही हूं, दिख नहीं रहा है क्या? अरे दिख रहा होता तो बोलता ही क्यों। आप कभी भी फोन करो, हम आकर ठीक कर देंगे मैडम। क्या है? ए, इशारे क्या कर रहे हो? अरे हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है ना, हमारी ये सब आदत है। गंगा? हाँ? कौन है ये? बिजली वाले हैं बेटी। बिजली क्यों गई है, ये चेक करने आए हैं। क्यों रे, हो गया क्या? बस क्लाइमेक्स चल रहा है मैडम, आप जाकर लाइट जलाओ। ठीक है, ये लो मोबाइल। क्या हुआ, लाइट तो जली नहीं। प्लग लगाए बिना कैसे चलेगी? आप कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, दोबारा कभी बिजली चली जाए तो हमें फिर से बुला लेना। हाँ, हो गया क्या? आपका काम हो गया। तो बिजली कब आएगी? मुझे क्या पता। क्या पता मतलब? हाँ, प्लग को एक बार देखना पड़ेगा। कब देखोगे प्लग और बिजली कब आएगी? होकर हमें देखते रहना, बिजली आ जाएगी। हाँ ठीक है, बाय 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 आंटी। मुझसे ज्यादा मोटा खुद और मुझे आंटी कहते हैं। चलो बेटी। हेलो हेलो प्रीति। अभी कैसे हो तुम? तुम कैसे हो प्रीति? मैं तो ठीक ही हूँ, ये सोच के परेशान थी कि तुम कैसे होगे। परेशान क्यों? तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो? अनहोनी अगर मेरे पास आई तो उसकी खुद अनहोनी हो जाएगी। ऐसा मत कहो अभी, हमें कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। ये अभी कभी गलत नहीं सोचता। ठीक है, अब सच बताओ कि तुम कैसे हो। अब ठीक हूँ मैं, ऐसा लगता है तुमसे बात करता रहूं। उतरो बेटी। चलो बेटी। देख भाई, राक्षस भी साथ आई है। भाई, प्रीति की तरफ देखोगे, हंसोगे, बात करोगे तो जुबान काट डालेंगे, सर गिरा देंगे। तू कैसे जानता है? सिक्योरिटी देते टाइम सबको ये डायलॉग बोला ही जाता है। उनसे मैं नहीं डरने वाला भाई, मेरी जानी क्यों ना चली जाए। देखो मैं किसी भी तरह प्रीति को सिग्नल दूंगा। जल्दबाजी मत करना, अगर वो समझ गया ना तो हम सबको मार डालेंगे। जाओ डरपोक दोस्तों, मेरे साथ रहना तो बिंदास रहो, वरना क्लास में चले जाओ। क्लास? ये नहीं हो सकता, वहाँ पढ़ने से अच्छा है हम यहीं पर मर जाएं। वही ठीक रहेगा। तो बैठो यहीं। उस सर्कल इंस्पेक्टर के घर को तोड़वाने के लिए कहा था, वो हो गया क्या? हाँ हो गया सर। नमस्ते शास्त्री जी। हाँ जी, तो भाई बिजनेस कैसा है? बहुत अच्छा शास्त्री जी। ये बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, ये सब क्या है? हुँ?
क्या है? फल फूल देकर ही फीस का काम चला रहे हो क्या? गलत मत समझिए शास्त्री जी, आपने इसे बोलने के लिए कहा था ना, इसलिए इसका बिजनेस अब फल फूल रहा है, ऐसा सिंबॉलिक में कह रहा है। फल है, फूल रहा है, क्या बात है। देखा इस पंडित की ताकत, मेरी प्लानिंग की वजह से इनका बिजनेस ही नहीं, इनका दिमाग भी डेवलप हुआ है। कुछ दिनों में तुम अपना अचार सारे मुंबई को खिलाओगे, ये मेरा दावा है। भक्ति, इस कैश को अंदर रख दो। ओके सर। अरे ओ जीतू जी, तुम पढ़े लिखे हो ना? हाँ जी हाँ। तो किसी के लिए कुआं मत खोदो, ये नहीं पढ़ा है क्या? गलती हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया था। इसे भी बर्बाद करने के लिए मैं इसे आपके पास लेकर आया। जब तुम मेरे पास आए थे तब तुम पश्चिम दिशा से आए थे, इसलिए तुम्हारा थिएटर बर्बाद हो गया। तब के रवि शास्त्री और अब के रवि शास्त्री में बहुत अंतर है। वो आपके बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अब तुम क्या कर रहे हो जीतू सिंह? मैं शास्त्री जी। हाँ तुम ही। अब क्या बताऊँ? बताओ तो सही। मैं अब इनके पापड़ की कंपनी में मैनेजर का काम देख रहा हूँ, और मेरी पत्नी अचार की कंपनी में काम कर रही है। वेरी गुड, आप भी इसी तरह कंटिन्यू करो, आप भी इसी तरह आगे बढ़ोगे। हाँ तो अब आगे तुम क्या करना चाहते हो? बस सिंगर बनना चाहते हो? बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बहुत बड़े सिंगर बनोगे। जाइए अब, ये कोक है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं। ठीक है शास्त्री जी। बाकी सर, ये 90 ml। अरे भाई, ये सिक्योरिटी वाले बाथरूम भी नहीं जाते हैं क्या? उनकी पर्सनालिटी को देखकर किसी को एक दो भले ही लग जाए, लेकिन उन्हें नहीं लग सकती भाई। मैं उनके सामने गेम खेलता हूँ, देखो तुम। गेम? भाई जल्दबाजी करके तुम कोई गेम मत बजाओ भाई, अगर उन्होंने गन निकाल ली तो धक 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 8-10 कोई गिरा बिना शांत नहीं बैठने वाले। ठीक है, तुम लोग शांत बैठना। देख प्रीति आ रही है। ऑर्डर प्लीज मैडम। हम कॉफी पिए क्या? हाँ, मुझे भी कॉफी ठीक है। ओके, 3 coffee and 1 tea। ओके मैडम। हेलो, बोलिए सर। लड़कियों के आते उनकी चापलूसी शुरू, हमसे ऑर्डर नहीं लोगे? सॉरी सर। लिख लो, 1 tin coke और 3 fanta, जल्दी लाओ। ओके सर। ये क्या, हम दोनों के लिए कुछ नहीं मंगाया? थोड़ी देर पहले ही तो कोल्ड ड्रिंक पिया था। उसे पिए तो बहुत देर हो चुकी। जहर पी ले, बोझ खत्म हो जाएगा। हेलो, मेरे लिए फेंटा लेकर आओ। हमारे बात ना करने से तुम परेशान मत होना, मैं आज रात गेस्ट हाउस आऊंगा। अगर इसके साथ नींबू का अचार होता तो मजा आ जाता। इसे देख तो, चिकन खाने के बाद भी अचार का भूत नहीं गया। अंकल अंकल, अंदर बॉल आ गई, लेकर आऊं क्या? ओए बुलडोजर खुद है, मैं अंकल लगता हूं क्या? तो फिर मैं कहां जाऊंगा? ऐसे इस सेब को अंदर जाकर ले लूं ना? हां ले 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 जा। ओके। इसे तो देख, इसमें से मेरे जैसे 3 निकलेंगे और मुझे अंकल बोल रहा है। तुम्हारे बाथरूम का पानी ही बंद कर दूंगा। ये हुई अंकल, बाय। ओए रुक रे, कहीं पहचान तो नहीं गया? तुझे कहीं देखा है मैंने। क्या अंकल, मैं सामने वाला बबलू। ओए तू तो इतना सा था ना, यूरिया खाकर बड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, जा। पागल। पागल। छी, चाय बनाने आई तो पानी ही खत्म हो गया। अरे मस्तान मस्तान, अरे मस्तान। क्या हुआ आंटी? आंटी कहते हो? अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई और तुम मुझे आंटी कह रहे हो? शादी करने वाला अब तक तो मर गया होता। अरे बात क्या है वो बताओ। पानी खत्म हो गया, वाटर टैंक वाले को फोन करो। मैं फोन कर दूंगा, तुम जाओ। अरे साहब के नहाने के लिए पानी नहीं हुआ तो हम दोनों को मार डालेंगे। तुम तो बहुत बड़ी सरदर्द हो। हेलो वाटर सप्लाई सर, बंजारा रोड नंबर 10, रवीन जी के बंगले पर पानी चाहिए था, थोड़ा अर्जेंट है, जल्दी भेज दीजिए। ठीक है। टेंशन मत लो बेबी, टैंक आ रहा है। मुझे काहे की टेंशन, टैंक नहीं आया तो समझ ले टैंक के अंदर तू जाएगा। ए उधर गाड़ी आ रही है। हाँ हाँ। आ, रुको रुको रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। हाँ गाड़ी रुकी।
क्या है, क्या हुआ भैया? भैया भैया दो दिन से पानी नहीं पिया भाई, चार दिन से नहाया नहीं भैया, बस दो बाल्टी पानी दे दो भैया। मैं नहीं दे सकता भाई, ऐसी बात मत करो, थोड़े से पानी में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। अबे भैया की जेब गीली कर दे तो भाई हमारा गीला कर देंगे। हाँ भाई ये लो 50 रुपए रख लो, ले लो ना भाई, एक क्वार्टर तो मिल ही जाएगा ना, जाकर भर लो। ठीक है ठीक है, पानी भर, मैं भैया से बात करके आता हूँ। भैया आपका कौन सा गाँव है? नागपुर। अच्छा घर में भाभी ठीक है ना? तब तो खुशी की बात है। हाँ तो ठीक है ना, अब ठीक है, क्या पूछ रहे हो, चलो जल्दी अभी आज का खाना भी वही खा कर आएगा ना, हमेशा कुत्तों की तरह खाने की बात। हाँ ठीक है, जल्दी जाकर वापस आ जाना। वाटर टैंक लेकर आया हूँ भाई। हाँ पता है मुझे, पेट्रोल टैंक नहीं लग रहा है, उसे खाली करके जाओ। ठीक है भाई। ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, तू जलाना। तुम अंदर कैसे आए? सात समुंदर पार करके आया हूँ, दिख नहीं रहा, सारे कपड़े भीगे हुए हैं मेरे। बाहर इतने सारे गुंडे जो बैठे हुए हैं, तुम इस तरह आ जाओगे सोचा नहीं था, जाओ यहाँ से। मुश्किल से आया हूँ, जाने को कह रही हो, एक बार जरा गाकर सुनाओ ना। गाना? ऑडियंस के बगैर गा नहीं सकती हो क्या? कोई बात नहीं, मैं सबको बुलाता हूँ। ए गुंडो, पागल हो क्या तुम? नहीं प्यार में पागल, गेस्ट हाउस आने का चैलेंज किया था ना तो आ गया। प्रीति बेटी, अभी गंगा आ गई, तुम छुप जाओ। अरे धत, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, देख लेगा, प्लीज अभी छुप जाओ, जाओ ना प्लीज, जाओ छुप जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ बेटी, दरवाजा खोले में इतना वक्त क्यों? मैं अंदर नहा रही थी, बिना कपड़ों के आ जाती क्या? वो क्या है ना बेटी, तुम किसी से बात कर रही हो ये सुनकर? हाँ मच्छर मक्खियों से बात कर रही थी, तुम जाकर अपना काम करो। तुम पे नजर रखने के अलावा हमारे पास दूसरा काम है ही क्या? चलो दोबारा डिस्टर्ब नहीं करोगे ना? हाँ? अरे ये किसकी आवाज़ थी? अंदर कोई और नहीं, मैं ही थी। थोड़ा गुस्सा आने पे मेरी आवाज़ आदमी जैसी हो जाती है, और कुछ नहीं है। पता नहीं क्या कर रही हो तुम, पर संभल के रहना, चलो मंगा। अभी अभी अरे बाप रे, अगर वो दोनों तुम्हें देख लेती तो क्या होता? देखने से क्या होता है, हम दोनों के खुशी के पल वो भी थोड़ा सा देख लेते तो क्या जाता? हाँ, हाँ, वो तुम्हें देखती नहीं मार डालती। सिर्फ यही नहीं, लाखों बंदूक तोपे क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर वक्त ये हिम्मत काम नहीं आती। अभी मतलब मैं बेकार का आदमी हूँ क्या? तुम्हारे पास तो हर एक बात का जवाब होता है। तो फिर जवाब देने वाले मेरे इन होठों को तुरंत बंद कर दो ना। तब तो सुई धागा लेकर आती हूँ। मेरे इन होठों को सुई धागे से नहीं, अपने होठों से बंद करना है। इस वक्त नहीं हो सकता। तो फिर मैं दोबारा चिल्लाऊंगा, ओए गुंडो, ओए गंगा मंगा। प्रीति, प्रीति, अभी लगते हैं भैया आ गए। दरवाजा खोलो। आने दो ना, मैं क्या करूं? तुम यहाँ से चले जाओ अभी। दरवाजा खोलो। प्लीज चले जाओ। बाय डार्लिंग। प्रीति, कौन आया था यार? बोलो कौन आया था? कोई नहीं भैया। ओए मेरे कान मुझे धोखा नहीं देते, चुपचाप बता दो कि कौन आया था यहाँ। वो अभी 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 क्या हुआ प्रीति, आज तुम्हारे बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ नहीं आए, क्या हुआ? कुछ भूले बिना ही जा रही हो तुम, क्या हुआ बताओ ना। प्रीति देखो, ऐसे बात किए बिना जाओगी ना तो मुझे टेंशन होगी। तुम्हारे भाई ने बात करने के लिए मना किया है क्या, डराया धमकाया क्या? ये देखो प्रीति, हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत हो तो तुम्हारे भाई से बात करूंगा मैं। हाथ डालूंगा। भैया मारो मत भैया। मुंह बंद रख। भैया प्लीज छोड़ दो उसे। भैया प्लीज छोड़ दो। मेरी बहन से प्यार करेगा? मत मारो। मेरी बहन से प्यार करेगा? भैया मत मारो। मार डालो सर, कॉलेज में गुंडे आप ही नहीं हो, हम भी गुंडागर्दी जानते हैं, अगर हमने गुंडागर्दी की तो आप अपने पैरों से नहीं वापस जा पाओगे। रविंद्र जी, अभी प्रीति प्यार करते होंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम को घर में ही सुलझा लेना चाहिए, कॉलेज झगड़ा करने की जगह नहीं है। भले ही राजनीति में आपका बहुत अच्छा नाम और पहचान है, स्टूडेंट से अगर आप इसी तरह झगड़ा करेंगे तो उसमें आप ही का नुकसान है, अच्छी तरह से सोच लीजिए। चलो मेरे साथ। ए भाई,
आज वो अभी मेरे हाथों से मरने से बच गया। अगर मैंने गोली चला दी होती तो शायद वो मर गया होता। अगर आपने जल्दबाजी करके उसे मार दिया होता तो वहाँ आज बहुत बड़ा हंगामा हो गया होता। शायद हो गया होता, और उसके बाद स्टूडेंट लोग स्ट्राइक, बंद, नारे, मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर ही खत्म हो गया होता। भाई कल से बहन के साथ मैं कॉलेज जाऊं क्या? नो, कल से प्रीति कॉलेज ना जाए तो अच्छा होगा शायद। कल ही प्रीति को अपने गांव ले जाना ही अच्छा होगा शायद। शायद क्या, ले जाना ही ठीक होगा। रविंद्रनाथ को अभी तक तुम लोगों ने नहीं मारा? वो और उसकी बहन पूरे सिक्योरिटी के साथ घूम रहे भैया। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उन दोनों को मार डालूंगा। अब ये काम तुमसे नहीं हो सकता। उसकी मौत अब मेरे हाथों से ही होगी। उसके लिए मुझे जेल से बाहर आना होगा। मैंने जो प्लान बताया था उसका क्या हुआ? ये लो भैया लेटर, सुबह का टाइम फिक्स किया है। इस लेटर को पढ़ने के बाद बाकी बात तुम खुद समझ जाओगे। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है भैया। नमस्ते भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते। भाग जाऊंगा। अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करना। पैसा नहीं भेजेगा, बस काम करते रहो। सर 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 सर, बहुत क्राइम होने वाला है सर। डिपार्टमेंट में? नहीं सर, जेल में। वो 12 मर्डर करने वाला गौरी शंकर है कि नहीं? नहीं है। अरे है सर, उसके लोग आकर उससे कुछ सीक्रेट बात करके गए हैं सर। उसके सीक्रेट से तुझे क्या लेना देना? उनके हाव भाव देखने से लगा के वो कोई बहुत बड़ा प्लान करने वाले हैं सर। वो जाते जाते गौरी शंकर को कोई लेटर देकर गए हैं सर। वो लव लेटर होगा? नहीं सर, लीव लेटर होगा। जेल में लव लेटर लीव लेटर क्यों देने लगे सर? तो फिर वो जरूर कोई सीक्रेट लेटर होगा सर। तो उस लेटर में क्या सीक्रेट था अभी पता कर लेते हैं। ओके सर। चलो ताला जल्दी खोलो। अरे खोल रहा हूँ ना सर। ए, ये कैसा लेटर है, दिखाओ। ये लेटर हम सब जानते हैं, निकाल। अरे बाप रे, ओए इसने लेटर निकाल लिया है, इसे पकड़ो। पकड़ो। ओ भाई उस लेटर को बाहर निकाल दो, निकलोगे तो मर जाओगे। कितनी देर मुंह में रखेगा सर? अबे इसे क्या जर्दे वाला पान समझ रखा है? जितना मुंह में रखोगे उतना मजा आएगा। निकालो ना भाई। पढ़ो। आप ही पढ़िए ना सर। मुझे दूसरों के लेटर पढ़ने की आदत नहीं है, समझे? तुम ही पढ़ो। जैसे मुझे आदत हो। पढ़ो भाई, कल रात को ही हम तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल लेंगे, संभल कर रहना। क्यों रे, मेरे यहाँ रहते तुझे वो जेल से भगा कर ले जाएंगे। हाँ सर, उसके भागते समय हमारा जिंदा रहना जरूरी है ना सर। पहले लेटर पूरा पढ़ने दीजिए ना। हाँ पढ़ो। कल रात को बॉम्ब के साथ जेल में हमला करेंगे, पूरा का पूरा जेल खत्म हो जाएगा और पहला बॉम्ब जेलर के सर पर गिरेगा और दूसरा बॉम्ब जेलर को बचाने वाले सबके सब पुलिस ऑफिसरों पर गिरेगा। ओए हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है, पहला बॉम्ब गिरते ही हम सब लोग अलर्ट हो जाएंगे। तेरे बचने से क्या होता बे? पहले इस जेल को बचाने की सोच। क्यों रे, हमें हमारी ही जेल में मारने की प्लानिंग कर रहा है। हम इतनी आसानी से नहीं मरेंगे, ना तुझे मरने देंगे। एक्सक्यूज मी सर, उस बॉम्ब के फटने का कोई टाइम फिक्स किया है आपने? बॉम्ब फटने का टाइम मुझे भी नहीं पता। अबे ओ सन्यासी, तुझे डिटेल्स किस लिए? आईजी साहब को फोन दे। ओए मैं आईजी बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर अब तक मैं आईजी साहब से बात कर रहा था, सॉरी सर, आपकी जगह आपके पीए को गाली दे दी। अरे धत, आपके पीओ को गाली देने की जगह आपको गाली दे दी। बकवास छोड़कर सीधे मुद्दे पर आओ। अरे वो क्या बात है ना सर, हमारे जेल में जो गौरी शंकर है ना, उसे छुड़ाने के लिए उसके आदमी हमारे जेल पर बम से हमला करके उसे छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं सर। ओ अच्छा, तब तो तुरंत उसकी जेल बदल दो। ठीक है सर, तब तो तुरंत ही हम दूसरे जेल में शिफ्ट हो जाएंगे। उसकी जेल शिफ्ट करने के लिए कहा है। ओहो
तो उसे शिफ्ट कर दें। हाँ, कल ही उसे सिकंदराबाद की जेल में शिफ्ट कर दो। पता नहीं वो मानेगा या नहीं सर। वो कौन है मानने वाला? वो क्या है ना सर, उसे यहाँ से शिफ्ट करने के लिए कम से कम मिलिट्री फोर्स तो चाहिए ना। मिलिट्री जैसी फोर्स का इंतजाम मैं कर दूंगा। यशपाल राणा का नाम सुना है? सुना है सर। कहाँ सुना है? अभी आपने कहा तब सुना ना सर। That's very good. यशपाल राणा का नाम सुनते ही बच्चे हॉर्लिक्स नहीं पीते और बड़े अल्कोहल नहीं पीते। छाती में स्टार्स की जगह शेर का दिल लेकर घूमता है वो यशपाल राणा। उन्हें मिशन पर उतारूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। यशपाल राणा सर, अभी तक ये यशपाल राणा जी क्यों नहीं आए? फेमस लोग कभी भी टाइम पे नहीं आते हैं। सर कार आ रही है। मुझे भी दिख रहा है। नमस्ते सर, आई एम जेलर रघुराज, माला पहनाओ। तो आप यशपाल राणा जी नहीं है? किसने कहा? कौन है जाने बिना किसी के गले में भी माला पहना देते हो। सॉरी सर, देखते क्या है, इस चकले के गले से माला निकाल लो। तो साहब कहाँ हैं? पीछे से उतर रहे हैं। पीछे से उतर रहे हैं? उतरिए साहब जी। यशपाल राणा जी आप ही हैं? ये दिखाई नहीं देता क्या? अब माला पहनाओ पहनाओ, पीछे चलो। वाह, रियली सरप्राइज, आपके बारे में कितना सुना था, लेकिन आप जीप के पीछे से उतरे तो बुरा लगा क्या? नहीं सर, आपकी तरह इतना सिंपल कौन रह सकता है सर? सिंपल नहीं, मैं हमेशा वास्तु के हिसाब से चलता हूँ। क्यों रे, तूने तो कहा था पड़ोस वाली के हिसाब से चलता। मुझे क्या पता, मुझे तो ऊपर वाले ने बताया था। क्या खुसर फुसर कर रहे हो? अरे कुछ नहीं सर, हम भी वास्तु के हिसाब से ही। वेरी गुड, थैंक यू सर। जीप में पूर्व की ओर बैठना था ना, इसलिए मैं पीछे बैठ गया। यहाँ पूर्व किस तरफ है? यहाँ सर। पर क्यों सर? जो भी बात करनी है ईस्ट की तरफ मुँह करके बात करो, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था। वैसे अभी हमारी ड्यूटी क्या है? वही सर, साला हरामखोर कमीना, वो खूनी जल्लाद, मैं उसको छोड़। उसकी तारीफ करना जरूरी है क्या? उसे इस जेल से शिफ्ट ही करना है ना? हाँ हाँ। नहीं सर, उससे पहले एक ड्यूटी और करनी है सर। नाश्ता करना है ना, तुरंत अपने लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम करो। जी जरूर सर। नाश्ता कोई मामूली नहीं होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए ना? खाने की तरह होना चाहिए। तो खाना कैसा होना चाहिए? उसका दूसरा कैलकुलेशन बनेगा। मेरे लोग जितनी अच्छी ड्यूटी करते हैं उतनी अच्छी डाइटिंग भी करते हैं। जब जंगल में हम वीर अपन को ढूंढने गए थे तब इनके खाने का बजट 15 लाख हुआ था, वो भी उस समय जब ये लोग डाइटिंग पर थे तब। आपने वीरप्पन को भी ढूंढा है सर? यस, उसको पहाड़ गुफाओं और जंगलों में बहुत ढूंढा था। तो उसके घर पर नहीं ढूंढा था सर? अगर घर पर ढूंढा तो पकड़ा नहीं जाता। करेक्ट, थैंक यू सर। वो कमीना मेरी नजरों के सामने से भाग गया, फ्लैशबैक बाद में। वेयर इज दैट क्रिमिनल? राणा साहब को क्रिमिनल के पास ले जाओ। जाओ सर। डोंट वरी, नाश्ता करने के बाद काम करेंगे। थैंक यू सर। Where is that criminal? कौन सर? वही बे। वो बारा खून करके उन्हें कच्चा च... रुक, कितनी बार तारीफ करोगे उसकी? कहाँ है वो? कौन है भाई ये? हमारी रिस्पेक्ट किए बिना उस तरफ मुंह करके बैठा है? अपने लाठी से उसे 2-3 लगा दो सर। नहीं, वास्तु के हिसाब से वो पश्चिम की ओर है, मारूंगा तो आग की तरह पीछे पड़ जाएगा। तब उसे पश्चिम से पूरब की तरफ हमले कराते हैं ना सर। ए! कौन है बे? मैं नहीं हूँ। मेरे आने की खबर उसे नहीं दी थी क्या? दी थी सर। क्या कहा था? ये कि बहुत बड़े और पावरफुल ऑफिसर यशपाल राणा जी आ रहे हैं, कहा था सर। हाँ तो फिर ये ऐसे क्यों पूछ रहा है जैसे मैं जेल की सफाई करने आया हूँ? ए मिस्टर, इधर घूम। वो घूमने वाला नहीं है, आप ही घुमाइए ना सर। नहीं नहीं, मैं अभी ईस्ट फेसिंग में हूँ। वो भी तो ईस्ट फेसिंग में है सर, कहीं वो भी तो वास्तु के हिसाब से नहीं चल रहा। उसका वास्तु मैं खराब कर दूंगा। अगर तू मर्द है तो, तुझ में शर्म है तो, और अगर तुझ में दिल दर्द गुर्दा है तो हिम्मत से मेरी तरफ घूम। कम ऑन। क्या बकवास कर रहा है? वहीं रुक, अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो वहीं लॉकअप में ढेर हो जाएगा। तुझे दूसरी जेल में बदली कर रहे हैं, तुरंत अपने कपड़े बांध ले। उसके पास और कोई दूसरे कपड़े नहीं है सर। है या नहीं उससे मतलब नहीं है, पहले मेरे लोगों का नाश्ता मंगवाओ। ठीक है सर। मैं किसी को नहीं छोड़ता। सुभाष जी, मुझे एमएलए की कुर्सी मिल जाएगी ना? आप इस बात की चिंता मत कीजिए, ये सीट आपको ही मिलेगी। अगर हम आपको नहीं देंगे तो किसे देंगे जी? आपका क्या है जी, आप तो सिटिंग एमएलए हो, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या बात करते हो जी, हर अथॉरिटी जानती है जो जीतता है सीट उसी को मिलती है। सर,
आज प्रीति बेटी का जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो सर। जन्मदिन है तो मंदिर में जाके पूजा। ठीक है, ले जाओ। हाँ ठीक है सर, चलो बेटी चलते हैं। ए चढ़, तू भी वास्तु देखकर चढ़। दोबारा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे फोन कर देना। ठीक है सर। नाश्ता अच्छा था, मेरे लोग खुश हैं। थैंक यू सर। दोबारा नाश्ते के लिए कब आओगे सर? जब आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम आएगी तब। बाय सर। चलो आप ही सर, ऐसा होना चाहिए सर। पंडित जी, हाँ केले या हलवे का प्रसाद नहीं है? नहीं है जी। नारियल भी नहीं है क्या? ये क्या कोई होटल है जो केला या हलवा जैसी खाने की चीजें मिलेगी? ये लो बेटी, ये केला दोनों आधा आधा खा लेना। हाँ? ये केला है इतना बड़ा, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। इस पंडित जी को तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। चलिए यहाँ से। हे भगवान, आप लोग यहाँ क्यों बैठ गए? परिक्रमा लगाते हैं, आइए। परिक्रमा? जी हाँ, मंदिर के 11 परिक्रमा लगाए तो हमें पुण्य मिलता है। पुण्य नहीं, थकान हो जाएगी, मुझसे तो नहीं हो सकता बाबा। तुम चाहो तो नारियल का प्रसाद देकर खुद लगाओ। कितनी परिक्रमा लगाओगी? हम नारियल खाते खाते गिनते रहेंगे, तुम जाओ। ठीक है? ठीक है, आप लोग यहीं बैठिए। मुझे तो दे जरा। हेलो। हाय। हेलो, तुम लोग इस मंदिर के पुजारी हो ना? नहीं तो क्या, इस मंदिर में बम लगाने वाले टेररिस्ट नजर आते हैं क्या तुम्हें? मैंने तुम लोगों को पहले कहीं तो जरूर देखा है। हेड ऑफिस में देखा होगा। हेड ऑफिस? वो कहाँ है? हमारा हेड ऑफिस तिरुपति है, ब्रांच ऑफिस ये है। आपने वेंकटेश भगवान को तो देखा ही होगा। हाँ देखा है। तो हमें देखकर तुम्हें उस भगवान की याद नहीं आ रही है क्या? अगर इनके मन में भक्ति होती तो आज ये कुंवारी नहीं घूम रही होती यहाँ पर। हाँ, हाँ। हम कुंवारी हैं, तुम कैसे जानते हो? इसमें से पता चल रहा है ना, एकदम कुंवारी लड़कियाँ। तुम्हारी कुंडलियों में राहु के घर में केतु के होने की वजह से तुम दोनों का विवाह नहीं हुआ है मतलब। तो फिर हम दोनों बिचारियों की शादी नहीं हो सकती क्या? क्यों नहीं हो सकती? आज अमावस है, बहुत खूबसूरत मुहूर्त है। आंखें बंद करके 108 बार नवग्रह की परिक्रमा करेंगे तो तुम्हारे सारे दोष दूर हो जाएंगे और शादी हो जाएगी। हमें परिक्रमा करनी पड़ेगी? नवग्रह को आपकी कुंडली में बैठाना है ना। मतलब अगर कुंडली दोष खत्म हो गया तो हम दोनों की शादी हो जाएगी? हाँ, पहले शरीर कम हो जाएगा, उसके बाद खुद को शादी भी हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना धीरे धीरे क्यों आ रही? अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, शुरू करो। यहाँ खड़ा नहीं होना है, परिक्रमा करनी है, करिए। ओम भूताया कुंडली आया राहु केतु ओम नमः। ओम भूताया कुंडली आया राहु केतु ओम नमः। ओम भूताया कुंडली आया राहु केतु ओम। चलो अंदर। तुम लोग ऐसे घूमोगे तो शादी तो क्या, शरीर भी नहीं घटेगा। जरा जल्दी जल्दी घूमो। ओम भूताया कुंडली आया राहु केतु ओम नमः। ओम नमः। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम यहाँ कब आए? जब तुम यहाँ आई। मैं मंदिर आऊंगी, तुम्हें कैसे पता चला? That is अभी। रुको, मैं वापस आती हूँ, गंगा मंगा को देख कर आती हूँ, ठीक है? ओके। अगर शादी करवानी है तो थोड़ा चलना होगा, तेज चलो। अपना शरीर घटाना चाहती हो तो थोड़ा तेज चलो। 105। तुमने उल्टी गिनती क्यों शुरू कर दी? गणित शास्त्र के हिसाब से जिन्हें गज दोष है उनकी उल्टी गिनती भी करनी होती है। हम नहीं करेंगे। देखा शास्त्री, ये कन्याएं गृह कार्य में कितनी बाधाएं डाल रही हैं। अब हम भी गिनती दोबारा से ही शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, अब भुगतो सजा। सुनील भाई की मौत से गौरी भाई को जितना दुख हुआ है उससे ज्यादा दुख उस रविन्द्रनाथ को होना चाहिए अपनी बहन के किडनैप होने के बाद। तुम ठीक कह रहे हो भाई। तुम सब लोग तैयार रहो, उसके आते ही उसे उठा लेंगे। हमारी बातें सुनकर कोई भाग रहा है? प्रीति कम ऑन। अरे क्या हुआ अभी? अरे कुछ बताओ तो। चलो चलो, पूरा पकड़ो उसको। अभी प्रीति को भगा कर ले जा रहे हैं।
क्या कहा? वो अभी मंदिर से मेरी बहन को लेकर भाग गया है। हाँ जी साहब। कहाँ ले गया है? पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ। अब क्या करेंगे? चलो मेरे साथ। ए, गाड़ी रुक रही है। रुक रही है भाई। देखो, चलो उतरो। देखो यहीं कहीं होगा। भाई कहाँ छोड़कर कहाँ गया होगा? भाई बाथरूम करने गया होगा शायद। अरे पागल, वो इतनी टेंशन में बाथरूम जाएगा क्या? तो चुप करना, इस तरफ ही गए होंगे। इसे भी देखो टपका देना। चलो चलो जल्दी चलो। सिगरेट है क्या? मेरे पास नहीं है। ए, ये पान की दुकान नहीं है, पुलिस की वैन है, यहाँ सिगरेट नहीं है। हुँ? ऐसे क्या देखता है? ए, ए, घूर मत। ए, गाड़ी रोक जरा। भाई ये अभी की बाइक है। तो फिर सफारी किसकी है? वो गौरी शंकर के आदमियों की होगी, डाउट है मुझे। ए, भाई मुझे होना चाहिए तो मैं नहीं। बोल, ये सफारी गौरी शंकर की है या नहीं? बोल। हाँ भाई, ये गाड़ी गौरी शंकर की है। अब मुझे एक डाउट हो रहा है, शायद कहीं उस अभी ने कोई बड़ा जाल तो नहीं बिछाया, उस गौरी शंकर से हाथ तो नहीं मिला लिया कहीं, इन दोनों ने मिलकर मेरी बहन प्रीति का किडनैप किया हो शायद। गाड़ी रोक जरा। ए, ये क्या ट्रैफिक जाम है, हटाओ ये गाड़ियां यहाँ से, हटाओ। ए, तुझे ही कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता। चुपचाप निकल यहाँ से। रविंद्रनाथ, तू तो गया आज काम से। मेरे दोबारा वापस आने से पहले ये सड़क साफ होनी चाहिए। ओके चलो। ए मस्तान जी। भाई हमारे लड़कों के आते ही इन सबको अंदर जंगल में आने को कहो। ठीक है भाई। ए, ये बात ये कह देगा तो मेरे साथ आओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सर, उसने चुपचाप निकलने को कहा और आप चुपचाप निकल लिए। वास्तु के हिसाब से वो ठीक खड़ा था, इसलिए छोड़ दिया मैंने। उसके वास्तु के बिगड़ने का टाइम नजदीक आ गया है। उसे तुमने छोड़ दिया लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। तुम उसे जानते हो? बहुत अच्छी तरह। जल्द ही उसका खून मैं अपनी आंखों से देखने वाला हूँ। ओहो, ब्लड रिलेशन। मैंने कहा क्या? साइलेंस। ए, उधर देखो। फायर फायर, भाग जाओ, सब भाग जाओ। फायर नहीं, टायर। हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया सर, आप टेंशन मत लीजिए। शट अप, वो टायर था, मैं भी जानता हूँ। टायर को किसी ने फायर किया होगा ये सोचकर आपको टेंशन किया था। चलो। तो ये बात पहले बतानी थी ना। धत, ब्लडी टायर, इसे भी अभी पंचर होना था। जल्दी से स्टेपनी बदलो। हमारी वैन में स्टेपनी नहीं है सर। क्यों? पूरब में वजन नहीं रखना चाहिए, ये बोलकर आपने ही स्टेपनी हटवा दी थी सर। मुझे लगता है ये वास्तु का ही असर है। What to do now? Don't worry sir, हम यहीं रुकते हैं। आप ट्रक से जाकर पंचर जुड़वा कर तुरंत आ जाइए। Idiot, तुम्हारा टायर निकालकर इसमें लगा दूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि वेस्ट साइड की यात्रा वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं, ये शॉर्टकट बताकर तुम मुझे जबरदस्ती इधर से लेकर आयो। हटो। ए, लेट क्यों हो रहा है? क्या लेट, हीरो की तरह बस ड्राइवर से पूछ रहे हो? जेल जाते समय भी टाइम पर ही पहुंचोगे क्या? मुझे अर्जेंट बाथरूम आ रहा है। तो करो, उसके लिए भी मुझसे ही पूछोगे क्या? तुम लोग यहीं पर रुको, मैं होकर आता हूँ। ए, हट जरा। ए, रुक। कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है? ए,
बाथरूम जा रहा हूँ, कहा ना मैंने? यही कर। यहाँ? हाँ। रुक, उसका दर्शन मुझे नहीं करना है। तो मैं क्या करूँ? वेरी सिंपल, तुम वहाँ नहीं जा सकते लेकिन हम वहाँ जा सकते हैं। सर, हमारे जाते ही भाग जाएगा सर। अरे बाप रे, अगर तुम लोगों को इतना शक है तो तुम लोग ईस्ट की तरफ मुड़ जाओ, वही ठीक रहेगा, मैं अपना भी काम कर लूंगा। वेरी गुड, ये वास्तु अच्छा है। आपने सही कहा सर। तुम जाओ सारे इस तरफ। सर, वो भाग रहा है सर। इडियट, वो मेरे हाथों से निकल गया। उसे रिवॉल्वर से शूट कर देना चाहिए था सर। ओ, बाप रे। मैं शूट करना नहीं जानता क्या? लेकिन अभी राहु काल है उसका सर। नहीं, हमारा। कम ऑन, उसका फॉरेस्ट में ही एनकाउंटर करते हैं। फॉलो मी। कम ऑन। ए गौरी शंकर, तू इस राणा से बच नहीं सकता, वापस आ जा। सर, धीरे भागो ना सर। ए, तुम लोग उस तरफ जाओ। ठीक है भाई। ओए, सांड की तरह हो गए हो, जल्दी ढूंढो उसे। सर, उसने आपको पूरब की ओर घूमने को कहा और आपने सबको घुमा दिया और वो भाग गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? सर, भूख लगी है। वो बंद करो, पकड़ो उसे। अब कितना दूर भागे हम? वो तो अब तक शहर पहुंच गया होगा सर। वहाँ कैसे पहुंच जाएगा वो? उससे पहले मैं शूट कर दूंगा। ठीक है सर। वो लोग कहीं भाग गया सर। तुम लोग उस तरफ जाओ। ठीक है भाई। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, चुपचाप से उस लड़की को हमारे हवाले कर दे। रुक जा, मैं कह रहा हूं रुक जा अभी। प्रीति, 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 अभी, छोड़ो। वास्तु वास्तु करके हमारी जान ही ले ली है। ढूंढो उसे। बाप रे। अबे वो इन झाड़ियों में छुपेगा क्या? ठीक से ढूंढो उसे। जमीन में छुप गया होगा ये सोच रहा था। ओए तू उधर जा। ठीक है भाई। और तू इधर जा। ठीक है भाई। ए, ए, भाई भाई भाई, हम हैं भाई। ए, मैंने मस्तान की आवाज सुनी है, चलो मेरे साथ जल्दी आओ। हाँ? मस्तान, कहीं अभी से इसका झगड़ा तो नहीं हुआ? उसने ही से मार डाला होगा शायद। सर, आप इतने आराम से कैसे रहते हैं सर?
इस जंगल में शेर चीते आपके पहचान के है क्या? नहीं रे, तुम लोग मेरी पहचान के हो। तब तो ठीक है सर, क्योंकि यहाँ जहाँ भी देखो तो लगता है कि शेर चीते कहीं हम पर हमला न कर दें। नो प्रॉब्लम, चार जाने तो बच ही जाएंगी। वो कैसे सर? और क्या, तुम में से किसी एक को भी पकड़ लिया तो एक महीने तक उसका पूरा परिवार फुल एंजॉय करेगा। एक मरेगा तो चार बचेंगे ना, समझ गया? क्या ब्रेन है सर। यस, वास्तु इज बिहाइंड माय ब्रेन। जाओ, जाकर रिलैक्स हो जाओ। थैंक यू सर। रुक जा भाई, वो अपना ही आदमी है। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो अभी प्रीति को लेकर यहाँ आया है, हम प्रीति को ढूंढ रहे हैं। तो मतलब भाई और बहन दोनों यहीं पर हैं। जो भी मिले उसे पहले काट डालो। जाओ जाओ। अबे तूने गोली क्यों चलाई? भूख लगी है सर, पेड़ से फल तोड़ने के लिए। फल तोड़ने के लिए गोली बर्बाद करता है इडियट? पत्थर से तोड़ लेता। पत्थर से मेरा निशाना नहीं लगता है सर। हाँ, जैसे बंदूक से तेरा निशाना बहुत तेज है। सर अगर अभी कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा सर। तो मैं मर जाता हूँ तो मुझे खा लेना। नहीं सर, हड्डियाँ चुभ जाएंगी। अगर दारू साथ हो तो चबाने में मजा भी आएगा और गले से नीचे भी उतर जाएगा। मतलब अगर तुम्हें भूख ज्यादा लगी तो तुम मुझे भी खा जाओगे? ए, भाई मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा, दूरी रहना। सर अब कितना ढूंढना पड़ेगा? जब तक क्रिमिनल नहीं मिलता तुम लोग यहीं रुको। क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आप अकेले ही जा रहे हैं सर? नहीं बे बदमाश, मैं वहाँ पेट साफ करने जा रहा हूँ, ध्यान रखना कोई ना आए। यस सर। अरे ओ जिम्बो, ये देखिए अकेला गया है, वापस आएगा क्या? अगर शेर सामने आ गया तो आएगा, लेकिन साहब नहीं आएंगे। गौरी भैया, कमीना। सीताराम, सीताराम, सीताराम। हे भगवान, दसों दिशाओं में भी ढूंढने पर ये गौरी शंकर दिखाई नहीं दे रहा। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है सर, मुझे एक आइडिया आया सर। कैसा आइडिया? उसको ढूंढना छोड़कर हम लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। इडियट, यही तेरा आइडिया है? ड्यूटी पर आगे बढ़ने की जगह पीछे हटना वीर पुरुषों की आदत नहीं होती। ये कौन है सर? अबे मैं ही हूँ। वो गौरी शंकर मिल जाएगा, इसकी गारंटी क्या है सर? हम लोग भी अब घर चलते हैं सर, वो भी जंगलों में भटक भटक कर खुद ही थककर जेल में वापस आ जाएगा। नथिंग डूइंग। इस जंगल के किस कोने में है वो अभी पता लगाता हूँ मैं। अब क्या करेगा? ओ जिम्बो, बिल्डअप तो देख, इसका फोन किसको लगा रहा पूछ। किसे फोन कर रहे हो सर? CBI को? नहीं, VBI को। इसका मतलब सर, वास्तु ब्रह्मा ऑफ इंडिया, वास्तु ब्रह्मा, वास्तु सिंह, वास्तु कला परिपूर्ण, वास्तु किंग, शास्त्री रवि शर्मा मेरे गुरु जी को। हेलो। यस, रवि शास्त्री स्पीकिंग। गुरुजी मैं हूँ, BP यशपाल राणा बोल रहा हूँ। क्या हुआ यशपाल, सडनली फोन? सडनली फोन नहीं, ये सेल फोन है। मस्ती मजाक छोड़कर असली बात बताओ। मैं एक क्रिमिनल को ढूंढते हुए घने जंगल में आ पहुँचा हूँ, लेकिन वो दिख नहीं रहा। तू घने जंगल में घूम रहा है या खुले जंगल में? वो खुद तुझे ढूंढ रहा है बे लल्लू। वो रास्ता तो नहीं भूल गया शास्त्री जी? इमोशनल मत हो, वो तुझे मारने के लिए जंगल में घूम रहा है। आपको कैसे पता? वास्तु है शिष्य, ये वास्तु है। तेरे लेफ्ट साइड में बड़े बड़े पहाड़ हैं क्या? चार बड़े बड़े पहाड़ हैं शास्त्री जी। और तेरे सामने एक झरना बह रहा है। वाह शास्त्री जी, टीवी में लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो क्या? वास्तु है शिष्य, वास्तु। अगर तुझे वो क्रिमिनल नहीं मिल रहा है तो तू पहाड़ और झरने के बीच में खड़ा है, और पहाड़ के ईस्ट साइड अप पर वो है। इस जंगल में आप कौन देगा उसे? आपका मतलब आप नहीं बे, यूपी आप बेटा। वो तुझसे ज्यादा अप पर है, हाइट पर है ना, इसलिए अच्छे पोजीशन में है। अगर तूने अपनी जगह नहीं बदली तो तू उसका निशाना बन जाएगा बेटा। अगर मुझे उसे शूट करना है तो क्या करना होगा? तू अप पर जा, आंख बंद करके ऊपर जाएगा तो वो क्रिमिनल तुझे मिल जाएगा।
ये ठीक है जी। दीर्घ आयुष्मान भवा। That is रवि शास्त्री, वस्तु ब्रह्मा। थैंक यू गुरु जी। ए, चलो बे। कहाँ सर वहाँ? चलो बे, घर चले सर। Shut up। आप पर परफेक्ट वास्तु फॉलो करने वाले को कोई नहीं हरा सकता। पीछे मुड़, तेज चल, लेफ्ट राइट लेफ्ट। जिस तरह से तूने मेरे भाई को मारा था, ठीक वैसे ही आज तेरी बहन को मैं मारूंगा। गौरी शंकर, इस यशपाल राणा के हाथ से कोई नहीं बच सकता। जेल से लाते वक्त ही तुझे अच्छी तरह समझाया था, मेरे रिवाल्वर को कष्ट मत देना। शेरों से खेलता है ये यशपाल राणा। मेरी बहन का टायर पंचर हो गया,
को मेरे वास्तु वीकनेस के सहारे हम लोगों को पूरब की तरफ घुमाकर पश्चिम की ओर भागेगा। पश्चिम में अस्त होने वाले सूरज की तरह नहीं है ये राणा, पूरब से उगने वाली क्रांति किरणें है ये यशपाल राणा। अरेस्ट हिम। इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है ये गौरी शंकर, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलता हूँ। इतने दिन तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। सुनो अभी, तुम्हारी अच्छाई के सामने आज मैं हार गया। बेटी प्रीति, अभी तुम दोनों हमेशा खुश रहो।